हेलो फ्रेंड्स, आई एम राशिदुल इस्लाम एंड यू आर वाचिंग माय चैनल टेक वेव्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप फोटोशॉप पर यूज़ कर सकते हैं बेंगली, यानी कि आप फोटोशॉप पर बेंगली टाइप कैसे करेंगे। आज इस वीडियो में हम यह दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका फोटोशॉप, जो मैं अब यूज़ करूँगा फोटोशॉप 2015। एंड ये फोटोशॉप पर बंगाली टाइप करने के लिए और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जिसका नाम है ओब्रो कीबोर्ड। अब इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप उसी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद से हम करेंगे इंस्टॉल। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, जो डेस्कटॉप पर मैंने रखा है, से इंस्टॉल करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद सिंपली यस पर क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, ये पे आपको एक बता दूं कि यहाँ पे देखिए कि चेंज इनपुट लैंग्वेज हो इन ओब्रो कीबोर्ड वर्क्स इन बांग्ला बोर्ड, इसे आप डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ये क्लिक कर दिया तो आपका जो सिस्टम का लैंग्वेज होगा, सिस्टम का डेस्कटॉप या डेस्कटॉप का जो लैंग्वेज, वो बदल जाएगा। ठीक है, ये सब जो बाद में आपको बहुत ही दिक्कत होगा, इसलिए आप इसे ऑप्शन को अनमार्क कर दीजिए, फिर कंटिन्यू नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। कुछ देर में जो सॉफ्टवेयर हो वो इंस्टॉल हो जाएगा। करते हैं वेट। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली फिनिश पर क्लिक करें। अपना कीबोर्ड को ओपन करें। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टॉप पे एक टूल बार आ गया है, यानी कि अब मेरा ओब्रो कीबोर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बंगाली, अभी बंगाली हो गया है सिलेक्ट, क्लिक करने से अब इंग्लिश हो गया है लैंग्वेज। आप सिंपली F12 पर क्लिक करके भी इसे शॉर्टकट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देख सकते कि मेरा, और उसके बाद आप ओपन कीजिए फोटोशॉप। अभी मैं आपका एक फाइल लेता हूँ, न्यू फाइल, मैं नेशनल पेपर A4 पेपर लेता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप 2015। आप चाहें तो कोई भी वर्सन आप यूज़ कर सकते हैं फोटोशॉप का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल वर्सन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ से पैराग्राफ को इनेबल कर देता हूँ, टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि सिंपली टाइप करने के, टाइप करते हैं फ़ॉन्ट को 72। अब देख सकते हैं अभी इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, EGH, ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स वर्किंग। एंड अभी मैं इसे बंगाली करता हूँ। बंगाली करने के बाद फिर से टेक्स्ट फील्ड, अभी देखिए मैंने जस्ट देख सकते हैं कि आप यहाँ से सिंपली बंगाली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जो प्रॉब्लम, यस, जो प्रॉब्लम अब देख सकते हैं, जैसे टेक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉ यहाँ पे आ गया है, उसके बाद जो ये करे वो आ रहा है,
इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सिंपली आप अवरो कीबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन का जो सेटिंग्स का बटन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट एज यूनिकोड जो नॉर्मली मेरा डिफ़ॉल्ट रहता है, आप इसे सिंपली कर दीजिए आउटपुट एज NC। यहाँ पे बोल कुछ ये जो नोटिफिकेशन है बोल रहा है कि से देखेंगे नहीं, यहाँ से सिंपली क्लिक कीजिए यूज़ NC एनीवे, मुझे एनीवे इसे चाहिए, ठीक है। अभी एनीवे इसे NC करने के बाद मुझे जो फॉन्ट होगा वो NC, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कालपुरुष NC रेगुलर, ये फॉन्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप टाइप कीजिए, सॉरी ये कालपुरुष रेगुलर हो रहा है, अभी देखिए अभी सिंपली हो रहा है, क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, मैं यानी कि मैं जो इंग्लिश जो टाइप कर रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इंग्लिश क्या टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप उसका लाइव टाइपिंग देखिए, DH ध ए आ ओई ढाई। मैं अपना चैनल का नाम जो शिफ्ट टी यानी कि एफ लॉक टी ए कोए ओ एप्स, देख सकते हैं सिंपली आप यहाँ से बंगली इजीली टाइप कर सकते हो फ्रेंड, इजीली टाइप कर सकते हैं जस्ट एक सॉफ्टवेयर के जरिए जिसका नाम है अवरो कीबोर्ड। आप डिस्क्रिप्शन पर जाके अवरो कीबोर्ड का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के वीडियो बस इतना ही, छोटा सा एक वीडियो जो आपको आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इतना आशा रखते हुए आज के वीडियो में ख़त्म करता हूँ। फ्रेंड्स आपको जाने से पहले एक बात बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप ही को मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।